सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों, आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस पैतृक जिला जो कि हमारी चित्रकूट में है, और यहाँ के बारे में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ इसी एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का व्लॉग। दोस्तों, इस पैतृक शिला में जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने हाथ और पैर धोने पड़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ की जो मेन मान्यता है वो ये है, हमारे प्रभु श्री राम जो थे ना, वो यहाँ पर माता सीता का श्रृंगार करते थे। बाकी अभी पंडित जी में यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। एक बार तुम कुसुम सुहाए मिलकर भूषण राम बनाए। भगवान राम अपने जीवन काल में केवल एक बार स्वयं जंगल में फूल लाए, शिला में बैठ करके भगवान गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट। जब खून बहने लगा, भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन काहुन बैठन कहा न होगी और राख कर राम कर राम के द्रोही को कौन बताया। तब नारद देखा भीतर जयंत का और लाग गया कोमल चीज। नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, अभी संसार में कोई नहीं बताएगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा, भगवान एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख से होते हैं। कौवा एक आंख से, एक मिनट कहीं भी जाओ, दो मिनट तसल्ली रखो, ये भगवान का बाया पैर है, सब लोग देख रहे हैं। दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का घुटना है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे, ये माता जानकी का पैर, पीछे लखन मिला, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा, अब आप एक बात ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत लोग डरते भी रहते हैं। जो ये पांच कलर का झंडा जहाँ अंदर लाइट जल रही है, देख रहे हैं, यहाँ पर साल में एक बार, यानी 10 जनवरी से 17 जनवरी, बेटा मकर संक्रांति 5 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, यज्ञ जानते हैं, उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपये, एक को 1 रुपये यज्ञ में धन लेते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, मर्जी हो प्रयोग कर सकते हैं नहीं। अब आप प्रेम पूर्वक इन लाल चिन्हों को बचा करके परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। एक मिनट, परिक्रमा करना जरूरी है, दान पुण्य करो चाहे वो तकलीफ, खड़े हो जाइए सब लोग। जो परिक्रमा न करो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए या पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, प्लस हमारा बेल आइकन भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।